हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो, जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हो, मार्क वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस मैंने आपको कई बार अलग अलग तरीके से बताया है। तो देखो यार, 170 नंबर पे 99 परसेंटाइल आने वाले हैं, 150 पे 98 परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या 150 प्लस स्कोर अच्छा होता है? तो यार डेफिनेटली आप टॉप की एनआईटी में जो है अपना सीट सिक्योर कर सकते हो अगर आप 150 के प्लस स्कोर कर देते हो, ठीक है। अब आता है 97 परसेंटाइल पे 140 मार्क्स आपको लाने होंगे और 120 प्लस पे 95 परसेंटाइल आपको देखने मिलेगा। यहां तक सब कुछ ठीक चलता है। अगर आप 120 प्लस ला रहे हो, 95 परसेंटाइल ला रहे हो, तो आप एक अच्छे जगह पर हो, ठीक है। 100 मार्क्स पे जो है आपको 93 परसेंटाइल देखने मिल जाते हैं, अभी भी ठीक है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल है। अब जो है 80 प्लस लाते हो तो आपके 90 परसेंटाइल आते हैं, पर 92-93 के बीच में अगर आपके आती है 91-92 परसेंटाइल, तो मैं आपको बता दूं ना यार, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता, इसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है। तो ये चीज ध्यान में रखो, 93 के प्लस हो तो ठीक है, 93 से नीचे आते हो तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। अब 80-90 परसेंटाइल के लिए 50-80 मार्क्स आपका जो है देखा जाता है, ठीक है। तो 80-90 परसेंटाइल ला के भी आपको कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि फिर क्योंकि अच्छे कॉलेज मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता हूं अगर आप 93 प्लस रहोगे तो बहुत बेहतर होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।